हो जाता। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सो गाइज आज का ये वीडियो स्टेटस आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और गाइज जो भी भाई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज आपका भाई ऐसी एडिटिंग हमेशा लेके आता रहता है। तो गाइज इस तरह का वीडियो मतलब स्टेटस बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एलाइट मोशन, और एलाइट मोशन को आप प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइज आपको मतलब उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज आपको यहाँ पे इस तरह से मतलब टैप करोगे तो आपको यहाँ पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, एलाइट मोशन का लिंक आप वहाँ से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइज आपको मेरे टेलीग्राम को भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अपने लेटेस्ट अपडेट और सारे फोटोज़ को आपको दे रहता हूँ। तो चलिए गाइज फटाफट से उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए गाइज फटाफट से हम इसका ट्यूटोरियल करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स आपको अपना एलाइट मोशन में बिटमार्क प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाला ग्रुप के नीचे आपको एक इमेज की लेयर देखने को मिलेगी। तो गाइज सिंपली आपको इस पर 9:60 के रेशियो में जो फोटो मतलब आपको कन्वर्ट कर लेना है, देन उसे यहाँ से ऐड कर देना है। तो चलिए गाइज मैंने 9:60 के रेशियो में ऑलरेडी फ़ोटोज़ को रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से एक फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देन हमारा फोटो इस तरह से आपको कुछ ऐड कर देना है, ग्रुप पे क्लिक करके आपको फिल कंपोजिशन एरिया में जाकर मतलब जाना है और कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाके ऐड कर देना है। देन गाइज आपको नेक्स्ट बीट पे आके आपको क्या करना है कि प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और अपने फाइल को सिलेक्ट कर देना है जिस भी फाइल में आपका फोटो हो। तो गाइज मैं अपने फाइल को सिलेक्ट कर देता हूँ। देन गाइज आपको क्या करना है कि फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे सेट कर देना है, ठीक है। देन गाइज आपको क्या करना है कि नेक्स्ट बीट पे आगे इसका एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देना है। तो गाइज इसी तरह से चलिए हम लोग 1 बाय 1 फ़ोटोज़ को ऐड करते हैं। और जब आप इसी तरह से आगे ऐड करते जाओगे गाइज तो आपको यहाँ पर एक और ग्रुप देखने को मिलेगा इस तरह से। तो गाइज इस पर आपको फ़ोटो ऐड करने के लिए क्या करना है कि सिंपली आपको इसी तरह से फ़ोटो को ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और ऐड करने के बाद इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देता हूँ और नेक्स्ट बीट पाके इसका एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर दूंगा। और देन उसके बाद क्या करना है गाइज, ये हमारा जो ग्रुप है उस पर इस तरह से आप होल्ड प्रेस करोगे और देन इसे ऊपर की ओर स्वाइप करोगे तो ये हमारे फोटो के ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से सेट कर देना है। देन आपको इसी तरह से आगे क्या करना है कि फोटोज़ को 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है। चलिए गाइज हम फोटोज़ को फटाफट से ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने जिस तरह से फ़ोटोज़ को 1 बाय 1 करके ऐड किया, आपको भी कुछ इसी प्रकार से फ़ोटोज़ को ऐड कर देना है। तो गाइज फ़ोटोज़ को ऐड करने के बाद आपको सिंपली हो जाना है यहाँ से बैक और अपना सेक इफेक्ट फाइल को ओपन करना है। देन गाइज हमारा सेक इफेक्ट फाइल में आपको फर्स्ट इफेक्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो गाइज इफेक्ट को हमें इसे मतलब स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो गाइज इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको सिंपली फ़ोटो पर टैप करना है। तो गाइज फोटो पर टैप करने के बाद आपको इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। देन गाइज हमें क्या करना है कि सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद हमारा जो स्टार्टिंग वाला ये लेयर है इसको आपको छोड़ देना है। देन हमारा उसके बाद से आपको जहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आपको आना है और 1 बाय 1 आपको क्या करना है कि इफेक्ट पर ऐड करना है यहाँ पर फोटो पर। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि फर्स्ट इफेक्ट को इस तरह से पेस्ट कर देना है। देन हमें नेक्स्ट फोटो पे भी आके क्या करना है कि फोटो पे टैप करना है और इफेक्ट में जाके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो गाइज इस तरह से हमें मतलब आगे की ओर आना है। इसी तरह से इफेक्ट को ऐड करते हुए हमारा जो ये वाला ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हमारे यहाँ पे कलर इफेक्ट के साथ जो राउंड हो रहा है, यहाँ तक आपको फर्स्ट नंबर वाला इफेक्ट को ही ऐड करना है। तो चलिए गाइज फटाफट से इफेक्ट्स को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। तो गाइज यहाँ तक देख सकते हो मैंने इफेक्ट को ऐड कर दिया इस ग्रुप तक। देन आपको क्या करना है गाइज कि इसके जो नेक्स्ट वाला हमारा मतलब बीट है वहाँ से आपको सेकंड इफेक्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो गाइज उसके लिए आपको सिंपली बैक हो जाना है और अपना सेक इफेक्ट फाइल को ओपन करना है और हमारा जो यहाँ पे सेकंड वाला इफेक्ट है आपको सिंपली इस तरह से टैप करना है और इफेक्ट में जाके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है। तो गाइज यहाँ से आप कॉपी इफेक्ट कर लोगे तो अपना सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना और देन हमारा जहाँ से ग्रुप मतलब खत्म हो रहा था आपको वहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ से देन आपको यहाँ से आगे आपको सेकेंड वाला इफेक्ट को सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइस चलिए यहाँ से हम इस इफेक्ट को पेस्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स सेकंड वाला इफेक्ट को भी हमें यहाँ तक ऐड करना है, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे डबल बीट मार्क मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ऐड करना है सेकंड वाले बीट मार्क, मतलब सेकंड वाले इफेक्ट को। देन आपको यहाँ से थर्ड इफेक्ट को ऐड करना है और आगे आपको फोर्थ इफेक्ट को ऐड करना है। तो भाई यहाँ से आप थर्ड इफेक्ट और फोर्थ इफेक्ट को चलिए फटाफट से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। देन हमें सेक इफेक्ट में आना है और हमारा जो थर्ड इफेक्ट है इस इफेक्ट को यहाँ से आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। और देन हमारा जहाँ पे मतलब डबल बीट मार्क था आपको वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको आगे स्वाइप करके दिखाता हूँ। हमारे पे यहाँ पे गाइज हमारा जो डबल बीट मार्क है आपको यहाँ पे सिंपली फोटो पे टैप करके इफेक्ट में जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। देन उसके नेक्स्ट बीट पे हमें चौथा नंबर का इफेक्ट को ऐड करना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इफेक्ट है और इसको भी हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन हम कॉपी करके वहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज हम यहाँ से स्क्रॉल करके आगे की ओर आते हैं और गाइज यहाँ पे मैंने थर्ड इफेक्ट ऐड किया, उसके बाद हमारा जो फोर्थ इफेक्ट है उसको पेस्ट कर देते हैं। देन गाइज हमारे यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है कि उसके नेक्स्ट वाले इफेक्ट को यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है जब तक कि हमारे ये वाला ग्रुप ना आ जाए। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वाले इफेक्ट को हम देख लेते हैं कौन सा हमारा जो नेक्स्ट वाला इफेक्ट है। देन ये वाला इफेक्ट हमारा जो है इसे हमें वहाँ तक ऐड करना है उस ग्रुप तक। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमारा 5वां नंबर का इफेक्ट है। ठीक है, तो गाइज हमें वहाँ से ऐड करना है, स्टार्टिंग करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने आ जाता हूँ, यहाँ तक मेरा इफेक्ट ऐड है। देन इसके नेक्स्ट बीट पे हमें इसी तरह से 1 बाय 1 इफेक्ट को ऐड करना है। तो चलिए गाइज इफेक्ट को ऐड करते हैं ग्रुप तक और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। तो गाइज वहाँ तक ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली हो जाना है बैक और हमारा यहाँ पे एक ये मतलब जो थर्ड इफेक्ट था ये इसके बाद भी आपको ऐड करना है। तो गाइज इस इफेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन गाइज हमें उस ग्रुप से पहले मतलब ग्रुप के बाद आपको ऐड करना है जो भी हमने अभी यहाँ पे इफेक्ट को ऐड किया है ना, तो उसके मतलब आपको बाद ये जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप देखने को मिलेगा। इस ग्रुप के बाद यहाँ पे आपको डबल बीट मार्क मैंने इसलिए लगा दिया है। तो गाइज यहाँ पे भी आपको उस इफेक्ट को यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली पेस्ट कर देना है। देन आपको फिर से अपना जो लास्ट वाला हमारा इफेक्ट है लास्ट वाला इफेक्ट को आना है सिंपली और उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। और गाइज उस ग्रुप मतलब जो ग्रुप वाले के बाद हम जो थर्ड इफेक्ट ऐड किया है उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला मतलब इफेक्ट बचेगा उस इफेक्ट को अब हमको सारे फोटोज़ पे लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे अपना आ जाता हूँ बीट मार्क पे और यहाँ से आपको 1 बाय 1 करके सारे इफेक्ट को ऐड करते जाना है। मतलब देख सकते हैं 25 सेकंड से आपको ये वाला इफेक्ट को ऐड करना है। तो गाइज इससे चलिए मैं यहाँ से ऐड करके लास्ट तक इसे ऐड कर देता हूँ और वीडियो कर देता हूँ थोड़ा सा स्किप। सो फ्रेंड्स लास्ट वाला जो आप इफेक्ट जब कम्प्लीटली ऐड कर दोगे तो उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर स्वाइप करना है। तो गाइज आपको यहाँ पे एक ग्रुप देखने को मिलेगा, इस ग्रुप को आपको इस तरह से होल्ड प्रेस करना है। देन ऊपर की ओर इस तरह से स्वाइप करना है और इसे सबसे ऊपर ले आके रख देना है, मतलब सारे फोटोज़ के आपको ऊपर से करके देना है। ठीक है, देन हमारा स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ से क्लिक करके वीडियो को कर देना है एक्सप्लोर, आपका वीडियो 3 से 4 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइज आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देगा। तो गाइज ऐसे वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि गाइज आपका भाई ऐसी वीडियो हमेशा लेके आते रहता है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।